तो देखिए दोस्तों, अभी जो सबसे ज्यादा कमेंट्स के अंदर सवाल आ रहे हैं कि अदानी विलमार के शेयर को होल्ड करें या सेल करें। तो दोस्तों, अदानी विलमार के शेयर को लेकर काफी लोगों के मन में कंफ्यूजन है कि इसको होल्ड करना है या सेल करना है। तो दोस्तों, जब ये शेयर चढ़ रहा था तब तो सबको मजा आ रहा था और काफी लोग पॉजिटिव भी थे। कोई कह रहा था 1000 के ऊपर जाएगा, कोई कह रहा था 1200 के आसपास जाएगा, मतलब सब अपना अपना टारगेट लगा रहे थे। और जब शेयर गिरने लगा तब क्या है कि सब लोग डर गए, मतलब पैनिक हो गए और जो टारगेट लगाया था वो भी भूल गए हैं। और देखिए दोस्तों, अगर इसके पास्ट के रिटर्न की बात करें तो 227 पर ये लोएस्ट गया था, 878 रुपए के आसपास ये हाईएस्ट जाके आया है। तो इस हिसाब से भी देखें तो ये लगभग 4 गुना तक के रिटर्न दे चुका है अभी तक जिन लोगों ने भी इन्वेस्ट किए थे, मतलब 1 लाख बराबर 4 लाख के आसपास कर दिए हैं। तो अब ऐसा क्या हो गया कि ये शेयर जो है अचानक गिरने लग गया? तो इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि इसका गिरने का कारण क्या है, और दूसरा सबसे मेन सवाल ये है कि इस शेयर को होल्ड करें या सेल करें, और होल्ड करें तो कब तक करें, क्या टारगेट हो सकता है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहां क्या है कि आपको स्टॉक मार्केट के छोटे मोटे अपडेट्स भी मिलते हैं और वीडियो का नोटिफिकेशन भी हाथों हाथ मिल जाता है। और दोस्तों, ऐसे शेयर्स वगैरह में इन्वेस्ट करने के लिए अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है या फैमिली मेंबर से भी डीमैट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। एंजल वन पर बिल्कुल फ्री में डीमैट अकाउंट बन रहा है, जीरोधा और अपस्टॉक्स पर कुछ चार्जेस हैं, आप जहां चाहें वहां डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। तो अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि इसका गिरने का कारण क्या है। तो देखिए दोस्तों, शेयर के गिरने के काफी कारण हो सकते हैं। तो सबसे पहला अगर कारण देखें तो मार्केट अभी डाउन है, और ये वन ऑफ द मेन रीजन हो सकता है कि मार्केट डाउन होने के कारण भी अदानी विलमार का जो शेयर है वो गिर रहा है। और अब आप ये सोच रहे होंगे कि मार्केट तो काफी टाइम से डाउन चल रहा था, पर अदानी विलमार का तो शेयर चढ़ रहा था, पर अब अचानक ऐसा क्या हुआ है कि अदानी विलमार का जो शेयर है वो गिरने लग गया है? तो अभी ऐसा हुआ है कि अदानी विलमार जो कंपनी है उसका जो Q4 का रिजल्ट आया है, मतलब जनवरी 2022 से लेकर मार्च 2022 के बीच में Q4 का रिजल्ट आया है। तो दोस्तों, जब भी किसी भी कंपनी का रिजल्ट आता है तो उसके शेयर्स के अंदर हमें अप्स एंड डाउन्स देखने को मिल जाते हैं, और दोस्तों ये रिजल्ट आने के कुछ दिन पहले से ही स्टार्ट हो जाता है। और ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि रिजल्ट जब भी आने वाला होता है या तो रिजल्ट अच्छा आएगा या खराब आएगा। तो जब अच्छा आता है तो शेयर क्या है कि चढ़ने लगता है, और खराब आता है तो शेयर क्या है गिरने लगता है। तो अब इसमें क्या हुआ है कि जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स हैं, जो सिर्फ ट्रेडिंग करते हैं, मतलब शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं, जो बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं जिनको आप ऑपरेटर भी बोल सकते हो, तो वो क्या है कि जब भी ऐसा रिजल्ट वगैरह आने वाला होता है या जब भी रिजल्ट आता है तो वो प्रॉफिट बुकिंग करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनको ये नहीं पता कि रिजल्ट कैसा आएगा। तो उससे पहले जो भी उनको प्रॉफिट मिल रहा है वो बुक कर लेते हैं, मतलब वो प्रॉफिट ले लेते हैं, शेयर को सेल कर देते हैं। तो इसके कारण भी थोड़ी बहुत गिरावट आती है। दूसरी चीज ये है कि कोई कोई क्या है कि रिजल्ट आने के बाद उस शेयर को सेल करते हैं, तो इस कारण भी थोड़ा बहुत शेयर के अंदर गिरावट आती है। फिर तीसरे वो लोग होते हैं जिनका टारगेट तो लॉन्ग टर्म के लिए होता है, पर वो जब शेयर गिरने लगता है तब क्या कि उनको देख के वो भी सेल करना शुरू कर देते हैं। वो सोचते हैं कि जो भी प्रॉफिट मिल रहा है वो ले लेते हैं, पहले तो हमारा प्रॉफिट ज्यादा मिल रहा था, अब प्रॉफिट कम मिल रहा है, और ये भी हाथ से ना चला जाए, इस कारण क्या है कि वो भी सेल करना शुरू कर देते हैं। आपके साथ भी ऐसा होता होगा, अगर होता है तो कमेंट करके जरूर बताएं। फिर देखिए, शेयर के अंदर जो लगातार गिरावट आती है तब क्या कि बड़े इन्वेस्टर या ऑपरेटर क्या करते हैं कि जब गिरावट आती है तब और ज्यादा वो शेयर ले लेते हैं, और फिर क्या है कि वापस शेयर चढ़ता है तब क्या है कि जो हम जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स हैं या छोटे इन्वेस्टर्स हैं वो क्या है कि फिर बाद में पछताते हैं कि हमारा टारगेट तो लॉन्ग टर्म के लिए था, पर हमने क्या है कि मार्केट की टेम्परेरी गिरावट के कारण क्या है कि उस शेयर को सेल कर दिया, तब उनको पछतावा होता है, तो उनको लगता है कि जल्दी बेच दिया। तो देखिए दोस्तों, जब भी कोई भी शेयर चढ़ेगा तब उसके अंदर थोड़ी बहुत हमें गिरावट देखने को मिलेगी। गिरावट इसीलिए देखने को मिलती है क्योंकि क्या है कि जो लोग भी शॉर्ट टर्म के लिए एंट्री करते हैं वो प्रॉफिट बुकिंग करना शुरू कर देते हैं, और जब भी शेयर चढ़ता है तो उसका बेस बनता है, बेस बनने के बाद वापस थोड़ा बहुत गिरेगा, उसके बाद वापस बेस बन के फिर वापस चढ़ेगा, तो इस तरह से ये चलता रहता है मूवमेंट। तो अब दोस्तों, आपको गिरने का कारण तो समझ में आ गया होगा। अगर आपको गिरने का कारण समझ में आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अब दूसरा सवाल यह है कि इसको होल्ड करें या सेल करें। तो अब देखिए दोस्तों, उसके लिए हम इसका Q4 का रिजल्ट भी देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, मार्च 2021 के अंदर जो इसका नेट प्रॉफिट था 295 करोड़ रुपए के आसपास, और अभी जब इसका क्वार्टरली रिजल्ट आया है मार्च 2022 का, उसके अंदर जो इसका प्रॉफिट है 219 करोड़ रुपए के आसपास। तो पिछले मार्च 2021 से कंपेयर करें मार्च 2022 को तो उसका जो प्रॉफिट है वो थोड़ा घट गया है। इस कारण क्या है कि लोगों के अंदर थोड़ा पैनिक का माहौल क्रिएट हो गया। तो पिछले मार्च 2021 से मार्च 2022 के प्रॉफिट का कंपेयर करें तो लगभग 25% जैसी गिरावट हमें देखने को मिली है। मतलब मार्च 2021 के अंदर जो इसका प्रॉफिट था 295 करोड़, और मार्च 2022 के अंदर जो इसका प्रॉफिट हो गया 219 करोड़। तो इस कारण भी थोड़ा पैनिक का माहौल क्रिएट हुआ। फिर दोस्तों, अगर आप रेवेन्यू पर नजर डालते हैं तो पिछले मार्च 2021 का जो रेवेन्यू था 10,600 करोड़ रुपए के आसपास, और अभी मार्च 2022 का अगर रेवेन्यू देखें तो 15,000 करोड़ रुपए के आसपास है। तो उसके रेवेन्यू के अंदर बहुत जबरदस्त ग्रोथ आई है, मतलब 46% की ग्रोथ है रेवेन्यू के अंदर। इस बात को आप समझ रहे होंगे कि इसका बिजनेस कितना बढ़ गया है,
प्रॉफिट भले ही घटा है पर इसका बिजनेस बहुत जबरदस्त बढ़ा है, पर प्रॉफिट में कमी क्यों आई है? तो देखिए दोस्तों, पिछले 2 से 3 महीनों के अंदर अगर आप देखें तो रशिया यूक्रेन का विवाद चल रहा है, उसके अलावा और ज्यादा महंगाई भी बढ़ रही है, रॉ मटेरियल के दाम भी बढ़ रहे हैं, और उसके अलावा इसका मेन काम है एडिबल ऑयल का, मतलब जो खाने वाला ऑयल होता है वो अदानी विलमार का मेन काम है, और इसका ज्यादातर जो ऑयल है वो इंडोनेशिया से इंपोर्ट किया जाता है, मतलब बाहर से आता है इसका तेल, तो वहां से अगर महंगाई बढ़ेगी तो इनके प्रॉफिट पर भी असर पड़ेगा। और देखिए दोस्तों, जब सब नॉर्मल होगा तब उसके बाद इसका प्रॉफिट वापस बढ़ जाएगा, ऑब्वियसली इसका रेवेन्यू बढ़ेगा, इसका बिजनेस बढ़ रहा है तो इसका प्रॉफिट भी बढ़ेगा, महंगाई हर टाइम तो रहती नहीं है, और ये जो रशिया यूक्रेन वाला पूरा विवाद खत्म हो जाएगा उसके बाद सारी चीजें वापस नॉर्मलाइज हो जाएगी। तो ये भी आपने रीजन जान लिया कि Q4 का रिजल्ट कैसा आया, इस कारण इसके अंदर थोड़ा बहुत पैनिक का माहौल क्रिएट हुआ। तो अब देखिए दोस्तों, इसके ओवरऑल फाइनेंशियल देखें 2019 से लेकर 2022 तक, तो इसका अगर रेवेन्यू पर अगर आप ध्यान दें तो लगातार बढ़ रहा है, और पिछले साल जो इसका रेवेन्यू था 2021 के अंदर 37,200 करोड़ रुपए के आसपास, जो कि 2022 के अंदर बढ़कर हो गया 54,390 करोड़ रुपए के आसपास। तो इसके रेवेन्यू के अंदर अगर आप ग्रोथ देखें तो 50% की है पिछले साल की तुलना में कंपेयर करें तो, और इसका प्रॉफिट 2021 के अंदर लगभग 730 करोड़ रुपए के आसपास था, जो कि 2022 के अंदर हो गया लगभग 770 करोड़ रुपए के आसपास। हालांकि इसका प्रॉफिट थोड़ा ज्यादा बढ़ना चाहिए था, पर अभी आप देख रहे हैं ऐसी कंडीशंस हैं, महंगाई बढ़ गई है, रॉ मटेरियल के दाम बढ़ गए हैं, तो प्रॉफिट पर थोड़ा बहुत असर तो देखने को मिलेगा ही। और सबसे पॉजिटिव बात यह है कि इसका रेवेन्यू बहुत जबरदस्त बढ़ गया है, बिजनेस बहुत जबरदस्त बढ़ गया है, तो इसके अगर फाइनेंशियल ओवरऑल देखें तो ग्रोथ वाले हैं, बहुत जबरदस्त फाइनेंशियल्स हैं। तो देखिए दोस्तों, आपने इसका रेवेन्यू और प्रॉफिट भी देखा, क्वार्टरली रेवेन्यू और प्रॉफिट भी देखा, और उसके अलावा ईयर ऑन ईयर बेसिस पर इसका रेवेन्यू और प्रॉफिट भी देखा, तो इसके फाइनेंशियल्स बहुत अच्छे हैं, ग्रोथ वाले हैं। अगर इसका ईयर ऑन ईयर फाइनेंशियल देखें, मतलब इसका रेवेन्यू और प्रॉफिट देखें, तो लगातार रेवेन्यू के अंदर ग्रोथ है और प्रॉफिट के अंदर भी लगातार ग्रोथ है। और दोस्तों, इसका मेन जो बिजनेस है एडिबल ऑयल का, उसके अंदर ये इंडिया के अंदर लीडिंग कंपनी है, मतलब 17% का मार्केट ये शेयर करती है अदानी विलमार। और सेकंड नंबर पर जो आती है रुचि सोया, उसका जो मार्केट शेयर है 8% का, तो इसकी टक्कर में अभी तक कोई भी कंपनी नहीं है एडिबल ऑयल के अंदर। फिर दोस्तों, दूसरा ये काम करती है किचन कमोडिटीज के अंदर, काफी सारे प्रोडक्ट सेल करती है, चावल है, आटा है, सूजी है, दालें हैं, और उसके अलावा सुगर वगैरह और भी काफी सारी जो किचन कमोडिटीज हैं वो भी सेल करती है, तो ये भी इसके लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। उसके अलावा दोस्तों, इसके 2022 का फाइनेंशियल रिजल्ट अगर देखें, इसका भी रेवेन्यू जो जनरेट किया है इसने लगभग 54,390 करोड़ रुपए के आसपास, और अगर हिंदुस्तान यूनिलीवर का देखें, हिंदुस्तान यूनिलीवर इंडिया की सबसे बड़ी FMCG कंपनी है, उसका अगर रेवेन्यू देखें तो 51,468 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट किया है 2022 के अंदर, और अदानी विलमार का है 54,390। तो अदानी विलमार ने हिंदुस्तान यूनिलीवर को भी पीछे छोड़ दिया है 2022 के अंदर, और ये इंडिया की नंबर 1 FMCG कंपनी भी बन गई है। तो अब देखिए दोस्तों, ये सारी चीजें मैंने आपको क्लियर कर दी, अब आप ही डिसीजन लें आप इसको होल्ड करेंगे या सेल करेंगे। मतलब इतनी जबरदस्त ग्रोथ वाली कंपनी है, इसके रेवेन्यू इतने जबरदस्त जनरेट कर रही है, प्रॉफिट इतना अच्छा जनरेट कर रही है, आप ही फैसला दीजिए कि आप इसको होल्ड करेंगे या सेल करेंगे, क्योंकि सारी चीजें मैंने आपको क्लियर कर दी है, सारी चीजें इस वीडियो के अंदर मैंने आपको बता दी है। अब मुझे लगता है आपके मन में कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। और दोस्तों, अगर पर्सनली मेरे बात करें तो मेरे पास भी अदानी विलमार के शेयर होल्ड पर पड़े हैं, और मेरे IPO भी अलॉट हुआ था, और IPO के बाद से भी मैंने काफी शेयर लिए हैं, तो मेरे पास होल्ड के अंदर पड़े हैं। और आप लोगों में से किन किन लोगों के पास अदानी विलमार के शेयर हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। तो ओवरऑल अगर देखें तो ऐसी फाइनेंशियली और फंडामेंटली जो मजबूत कंपनी होती है, जिनकी ग्रोथ बहुत जबरदस्त होती है, और ये ऐसे सेक्टर के अंदर काम करती है जिसकी फ्यूचर में डिमांड बहुत जबरदस्त रह सकती है, तो ऐसी फाइनेंशियली फंडामेंटली मजबूत कंपनी है तो ओवरऑल लॉन्ग टर्म में वो चढ़ेगी ही। तो जिनका टारगेट लॉन्ग टर्म के लिए है तो मुझे लगता है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और जिनका टारगेट शॉर्ट टर्म के लिए है तो वो थोड़े थोड़े टाइम से प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। बाकी दोस्तों, डिसीजन आपको लेना है कि आपको क्या करना है। तो आपका क्या डिसीजन है, आप इसको होल्ड करेंगे या सेल करेंगे, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं हमारा वीडियो, हमारी जानकारी आपको काफी पसंद आई होगी, और दोस्तों आपका कंफ्यूजन भी क्लियर हो गया होगा। तो दोस्तों, अगर आपका कंफ्यूजन क्लियर हुआ है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें, और अगर जिसके पास भी डीमैट अकाउंट नहीं है, घर के फैमिली मेंबर से भी डीमैट अकाउंट खुलवाना चाहता है, तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर।